हेलो दोस्तों, मैं राहुल सैनी और आज आप सभी को चैमकैश में केवाईसी अपलोड करने के सिस्टम बताऊंगा और आप सभी बहुत अच्छे तरीके से इस केवाईसी अपलोड को आसानी से कर सकते हैं। बस मैं जो बताता हूं आप सभी उसको ध्यान से सुने और करते रहें, ठीक है। अभी आप देखेंगे, ये देखिए चैमकैश की एप्लीकेशन ब्लू कलर में है। ये चैमकैश की इस समय न्यू वर्जन आई हुई है और आप इसके ज़रिए आप अपनी केवाईसी आसानी से अपलोड कर सकते हैं। जिन भाइयों का पहले का पुराना एप्लीकेशन जो येलो कलर का था उसको अनइंस्टॉल करके प्ले स्टोर से ऐड चैमकैश ऐड जंक्शन ये नाम से सर्च करें प्ले स्टोर पे, तो आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, ठीक है। आइए हम बताते हैं कि कैसे आप पहले एप्लीकेशन को सर्च कर पाएंगे। तो हम चलते हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे हम यहाँ पर सर्च करेंगे वो ब्लू कलर की एप्लीकेशन आपको कैसे मिलेगी। ये आ गए हम प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे अब हम सर्च करते हैं प्ले स्टोर पे हम सर्च करेंगे जी चैमकैश ऐड जंक्शन। इस नाम को सर्च करेंगे हम। दोस्तों अभी आपके सामने चैमकैश ऐड जंक्शन और चैमकैश मनी फ्री, ये येलो वाली एप्लीकेशन है मनी फ्री वाली, इसको ना करके आप चैमकैश ऐड जंक्शन को इंस्टॉल करेंगे। देखिए मेरा वो पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर ब्लू कलर की ये पिक्चर दी हुई है, इसका मतलब ये आपकी न्यू वर्जन है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब यहाँ से हम ओपन करेंगे। अब हमने ये ओपन किया, आप देख सकते हैं ये हमारी होम पेज ओपन हुई, ठीक है। होम पेज ओपन होने के बाद हम साइड से ऐसे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिडीम। रिडीम पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे, जैसे मैंने मान लो पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ हम इसको सबमिट करेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है रिचार्ज और बैंक रिडीम, रिचार्ज और बैंक रिडीम। रिडीम पे हम क्लिक करेंगे। बैंक रिडीम पे यहाँ पर आ रहा है टू रिडीम थ्रू बैंक योर अर्निंग शुड बी जनरेट और इक्वल टू करेंसी, यहाँ दिखा रहा है डॉलर का $5। अब यहाँ अपलोड नाउ पे हम क्लिक करेंगे, यानी वो हमसे बोल रहा है केवाईसी अपलोड करने के लिए। अब जैसे मैं अपना नाम यहाँ डालता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैं इसको सबमिट कर रहा हूं, स्टेट यूपी, पिन कोड 273013, पैन नंबर। हम अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। दोस्तों जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप भी करेंगे। जैसे यहां पर हमने SBI लिख दिया, ठीक है। आईएफएससी कोड हम डालेंगे यहां पे, SBIN004810, ठीक है। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दे रहा है अपलोड योर पैन कार्ड, आपको अच्छे से फोटो खींच कर रख लेनी है अपलोड करने के लिए। पैन कार्ड की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। पैन कार्ड के बाद आपको अपलोड आईडी प्रूफ की करनी है, जैसे आपके वोटर कार्ड हो सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकते हैं, आधार कार्ड हो सकते हैं और पासपोर्ट की, उसकी फर्स्ट कॉपी जहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी हो उसकी फ़ोटो ले लीजिए आप। और अपलोड कैंसिल चेक, यानी कैंसिल चेक या पासबुक की फ़ोटो हो, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आप कैसे अपलोड करेंगे, ये देखिए ब्लू कलर की साइन बनी है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो गैलरी और कैमरा दो चीज़ दिखा रहा है। आप डायरेक्टली कैमरे पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं या फिर ओपन गैलरी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने फ़ोटो रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन गैलरी पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से गैलरी हमारी ओपन हो रही है।
अब आप देख सकते हैं जी, ये रहा पैन कार्ड, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, ये साइज आप जैसा इसको सही करना चाहें आप सही करके इसको डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए दोस्त, मैंने इसको क्रॉप कर दिया। ये अपलोडिंग हो रहा है, योर पैन कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल, ठीक है, ऐसे आपको मैसेज आएगा। ये देखिए क्रॉस के बगल में टिक हो गया। ऐसे ही हम अपनी आईडी प्रूफ भी करेंगे। आईडी प्रूफ में जैसे मैंने यहाँ से आधार कार्ड ले लिया, ये हमने आधार कार्ड को साइज़ में किया, ऐसे आप सभी भी साइज़ में इसको कर लीजिए। ये देखिए ये क्रॉप हो गया, अब ये भी अपलोड हो रहा है। ऐसे आपको मैसेज आएगा सक्सेसफुल का, सक्सेसफुल का जैसे मैसेज आता है इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है। अब ये आता है मेरे कैंसिल चेक का। आप यहाँ पे पासबुक की भी पिक लगा सकते हैं क्रॉप पे क्लिक करके। ये देखिए ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे सबमिट है, सबमिट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा मैंने सबमिट पे क्लिक किया, मेरी डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुकी है, ठीक है। और आप सब भी ऐसे ही सबमिट करके अपने डिटेल्स को आप केवाईसी अपलोड कर सकते हैं। और आपको यहाँ जो रिचार्ज लिखा हुआ है इसके ऊपर ही आपको एक मैसेज आएगा कि योर डॉक्यूमेंट्स इज सबमिटेड, और एक वीक में वहाँ पर आपका लिखा होगा कि एक वीक में ये अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।